बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट हाउ आर यू ऑल। आज हम यूनिट नंबर 4 पेन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पेन के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि पेन क्या है। पेन हमारे पास एक प्रोग्राम होता है जिसमें हम ड्राइंग बनाते हैं। पेन इज़ अ प्रोग्राम विच इज़ यूज फॉर ड्राइंग। नाउ देयर आर सम स्टेप्स थ्रू विच वी कैन स्टार्ट पेन प्रोग्राम। पेन प्रोग्राम को स्टार्ट करने के कुछ स्टेप्स है, वो पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, आल एप्स या आल प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे। इसके बाद इधर विंडो कंपोनेंट, विंडो एक्सेसरी आपको नज़र आएगी। या आपके आपके पास लेट सपोज अगर कोई दूसरी विंडो है तो उधर सिर्फ एक्सेसरी नाम होगा। इधर ये विंडो 10 है तो इसमें है विंडो एक्सेसरी, उधर होगा सिर्फ लिखा होगा एक्सेसरीज। एक्सेसरी के बाद पेंट, इस पेंट पर मैं क्लिक करूँगा। अब ये देख ले, ये हमारे पास पेंट का प्रोग्राम जो है वो ओपन हो गया। अब इस पेंट के प्रोग्राम को आप देख ले, सबसे ऊपर इधर टाइटल बार है। ये सबसे ऊपर जो बार होता है इसको टाइटल बार कहते हैं। टाइटल बार पे हमेशा ये देख ले प्रोग्राम का नाम होता है। इधर पेंट लिखा है तो जो भी प्रोग्राम आप ओपन करते हो उसका नाम टाइटल बार पे होता है। टाइटल बार क्या है? द टॉप मोस्ट बार आप पेंट प्रोग्राम विंडो। इधर आपको तीन बटन नज़र आते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और ये हमारे पास है क्लोज। इसके बाद जो बार होता है उसको कहते हैं मेन्यू बार कहते हैं। ये देख ली, ये मेन्यू बार है। अब मेन्यू बार क्या होता है? इट इज़ जस्ट लोकेटेड बिलो द टाइटल बार एंड इट कंटेन डिफरेंट ऑप्शन। बिलो द टाइटल बार इधर आप देख ले, इसको कहते हैं ड्राइंग विंडो। ये जो आपको नज़र आ रहा है वाइट ब्लैंक एरिया जो नज़र आ रहा है इसको कहते हैं ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग बोर्ड किस लिए इस्तेमाल होता है? जो भी हम पेंट बनाएंगे ना, ये इधर हम इस वाइट एरिया में बनाएंगे, ब्लैंक एरिया में बनाएंगे, तो ये ब्लैंक एरिया क्या कहलाता है? इसको कहते हैं ड्राइंग बोर्ड। इसके बाद हमारे पास इसमें हमारे पास स्क्रोल बार होते हैं। एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल होता है, एक इधर वर्टिकल हो, एक इधर हॉरिजॉन्टल होता है और ये हमारे पास वर्टिकल स्क्रोल बार होते हैं। अब स्क्रोल बार क्या होते हैं? स्क्रोल बार यूज़ होते हैं टू सी द अनसीन पार्ट ऑफ अ ड्राइंग। ये इसकी डिफिनीशन भी है कि स्क्रोल बार क्या होता है। जब डॉक्यूमेंट, जब हमारे पास पेंट की विंडो में जो हमने ड्राइंग बनाई होती है उसका साइज़ बहुत बड़ा होता है और हमें नज़र नहीं आता, तो हम स्क्रोल बार यूज़ करेंगे। स्क्रोल बार से क्या मुराद है कि टू सी द अनसीन पार्ट ऑफ अ ड्राइंग। इसके बाद हमारे पास टूल बॉक्स होता है। ये सारा टूल बॉक्स है, देख ले, ये टूल बॉक्स है। इस टूल बॉक्स में हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के टूल्स पड़े होते हैं। इट कंटेन अ लिस्ट ऑफ टूल्स। इसके बाद ये हमारे पास ये जो नज़र आ रहा है इसको कलर बॉक्स कहते हैं। कलर बॉक्स, इसमें हमारे पास अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स मौजूद होते हैं। अब सबसे पहले हम लाइन के बारे में, टूल बॉक्स में से लाइन के बारे में पढ़ते हैं। तो ये लाइन टूल है क्या? इट इज़ यूज टू ड्रा अ लाइन। बस ये लाइन ड्रा करने के लिए इस्तेमाल होता है। इट इज़ यूज टू ड्रा अ लाइन, इट इज़ यूज टू ड्रा अ लाइन। इफ लेट सपोज यू वॉन्ट अ स्ट्रेट लाइन देन यू मस्ट होल्ड द शिफ्ट की वाइल ड्रैगिंग द माउस। Now you can see what is a line tool. Line tool use होता है किस मकसद के लिए? To draw a line. इसके बाद हमारे पास rectangle tool होता है। Rectangle tool किस लिए? To rectangle या squares draw करने के लिए यह इस्तेमाल होता है। Rectangle tool जो होता है it is used to draw a square or rectangle. ये देख ले, नाम से भी इधर आपको वाज़ह है कि ये rectangle tool है, तो देख लें। इट इज़ यूज टू ड्रा अ रेक्टेंगल आर अ स्क्वेयर। याद रखना है कि किस तरीके से हम ये ड्रा कर सकते हैं। जब भी आपने रेक्टेंगल ड्रा करनी है तो कुछ नहीं करना, बस जस्ट ड्रैग करते जाइए, आपके पास बन जाएगा रेक्टेंगल। लेकिन अगर आपने स्क्वेयर बनाना है तो आपने शिफ्ट बटन को होल्ड रखना है। कीप इट इन माइंड, आपने शिफ्ट बटन को होल्ड रखना है। ये तो हो गया रेक्टेंगल टूल। अब पेज नंबर 29 पे आ जाए। पेज नंबर 29 पे है रेक्टेंगल टूल, राउंडेड रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल टूल है, दूसरा राउंडेड रेक्टेंगल है। ये राउंडेड रेक्टेंगल है।
राउंडेड रेक्टेंगल और रेक्टेंगल टूल में डिफरेंस क्या है, ये भी बिल्कुल रेक्टेंगल की ही तरह होता है लेकिन इसमें फर्क क्या है, इट इज़ अराउंड एजेस। इधर आपको नज़र आ रहे तो इधर ये जो एजेस इधर नज़र आ रही ये शार्प है और ये क्या है, ये राउंडेड एजेस है। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ रेक्टेंगल एंड राउंडेड रेक्टेंगल। राउंडेड रेक्टेंगल क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, राउंडेड रेक्टेंगल के राउंडेड एजेस होते हैं जबकि हमारे पास जो रेक्टेंगल होता है उसके एजेस जो होते हैं वो शार्प होते हैं। इसके बाद हमारे पास एलिप्स टूल है, तो एलिप्स टूल हमेशा सर्कल या ओवल्स वगैरह को ड्रा करने के लिए, देख लें हमारे पास ओवल है तो ये देख लें हमारे पास किस लिए इस्तेमाल होता है, ओवल के लिए भी और सर्कल के लिए भी, ओवल और सर्कल ये दोनों नज़र आ रहे हैं। ये हमारे पास क्या हो गया, इधर मैं लिख भी लूँगा, ये हमारे पास है कौन सा टूल, ये मैंने एलिप्स टूल से बना लिया है, एलिप्स टूल से, एलिप्स टूल से मैंने इधर क्या बना लिया, ओवल, और ये क्या है, ये सर्कल है। ये वाला कौन सा टूल था, ये था राउंडेड रेक्टेंगल, ये मैंने बनाया है राउंडेड रेक्टेंगल से। और ये हमारे पास बना था किस चीज़ से, स्क्वायर से, स्क्वायर किस तरह बना था, ये भी रेक्टेंगल टूल से बना था लेकिन मैंने शिफ्ट बटन को होल्ड किया था। इसके बाद नेक्स्ट जाते हैं पेज नंबर 30 पे कि पॉलीगन टूल क्या करता है। पॉलीगन टूल हमारे पास हमेशा एक क्लोज शेप होता है दैट इज़ मेड ऑफ स्ट्रेट लाइंस। व्हाट इज़ अ पॉलीगन टूल, पॉलीगन टूल किस लिए इस्तेमाल होता है, पॉलीगन टूल पॉलीगन के लिए यूज़ होता है और ये होता क्या है, हमेशा क्लोज शेप होता है दैट इज मेड ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये हमेशा ये देख ले हमारे पास पॉलीगन टूल है और इससे हमेशा क्या बनती है, क्लोज शेप, देख ले ये हमारे पास कौन सा टूल है, पॉलीगन टूल। पॉलीगन टूल पर क्लिक करना है, इधर मैंने ड्रैग कर लिया, माउस का लेफ्ट बटन होल्ड कर लिया, इसके बाद मैंने इधर क्लिक किया और राइट साइड पे चला गया, दोबारा मैं इस साइड पे क्लिक करता हूँ तो हमारे पास क्लोज शेप बन जाएगी। हमेशा याद रख, पॉलीगन टूल इस्तेमाल होता है टू मेक अ क्लोज शेप। इसका भी यही तरीका है, अगर आपने इसको होल्ड किया, शिफ्ट बटन होल्ड किया तो आपके पास जो लाइन बनेगा ये हमेशा क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन। देख लो इधर से मैं राइट साइड पे चला जाता हूँ, इसको मैं लेट्स सपोज इस तरीके से कर लेता हूँ, ये क्लोज शेप बनाने के लिए यूज़ होता है पॉलीगन टूल, क्लोज शेप बनाने के लिए यूज़ होता है। इसके बाद हमारे पास है करो टूल, तो करो नाम से जाहिर है कि करो टूल इज़ यूज टू ड्रा अ करो लाइन, करो टूल इज़ यूज टू ड्रा अ करो लाइन। इधर ये टूल बॉक्स में से करो टूल निकाले और माउस का जो आपने इधर इस पॉइंटर को मूव करना है और लेफ्ट बटन को आपने होल्ड करना है ड्रैग करने के दौरान और किसी भी सिमत में लेके जाएं तो ये देख लें इसको आप इधर से इस तरह कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये किधर ज़्यादा इस्तेमाल होता है, लेट सपोज़ आपने कट वगैरह बनानी होती है तो इधर देख लें, मैंने सबसे पहले रेक्टेंगल टूल निकाला। आप सबको पता है कि अक्सर जो कट होती है वो हमारे पास स्क्वायर की शक्ल में होती है, तो मैंने स्क्वायर टूल निकाला, इधर से लेट सपोज़ मैंने शिफ्ट का बटन दबा के रखा, ये मैंने सबसे पहले वो रेक्टेंगल टूल ले लिया, फिर मैं इधर एक लाइन टूल लेता हूँ, या इस तरह करता हूँ कि मैं ये टूल ले लूँगा, इसके बाद मैं इधर एक लाइन टूल ले लूँगा टूल बॉक्स में से, स्ट्रेट लाइन के लिए मैं इधर शिफ्ट बटन को दबाऊंगा, क्यों शिफ्ट बटन को दबाऊंगा कि इधर जो लाइन मेरे पास हो वो मेरे पास क्या आ जाए, सीधी आ जाए। ये देख ले मैंने शिफ्ट बटन दबा के रखा, मैंने इधर एक स्ट्रेट लाइन लगा लिया, स्ट्रेट लाइन लगाने के बाद वापस मैं जाऊंगा करो टूल, क्योंकि इधर काइट पे आप सबको पता है कि क्या किया जाता है,
इधर एक इस तरीके से इसको मैंने ड्रैग करना है, तो ये करो टूल की, अगर करो टूल नहीं होगा तो मैं ये काइट इस तरह नहीं बना सकता। दोबारा देख लें, मैंने करो टूल ले लिया करो लाइन के लिए, मैंने इसके साथ शिफ्ट भी दबाया कि बिल्कुल मुझे स्ट्रेट लाइन आ जाए, फिर मैंने यहाँ से इसको अपने माउस का जो लेफ़्ट बटन को दबा के रखा, ऊपर की तरफ ड्रैग किया, तो इस तरीके से काइट बन गया। तो याद रख, करो टूल बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, एक करो लाइन बनाने के लिए यूज़ होता है, जो नॉर्मल लाइन के ज़रिए अगर आप बनाओगे तो मुश्किल होता है। इसके बाद पेंसिल टूल है, पेंसिल टूल बिल्कुल आपके रियल लाइफ में जो पेंसिल आप लोग नोटबुक के लिए राइटिंग के लिए यूज़ करते हो बिल्कुल उसी की तरह काम करता है, लेकिन ये प्री हैंड कम्प्लीटली काम करता है, सही है, इसको कहते हैं पेन टूल, पेंसिल टूल इसको कहते हैं। जिस तरीके से इधर आप प्री हैंड राइटिंग इस पर कर सकते हैं, इधर मैं लेट सपोज इधर लिखता हूँ, ये मैंने क्या बना लिया, काइट, तो ये पेंसिल टूल है, बिल्कुल इस तरीके से इस्तेमाल होता है, जस्ट लाइक यू यूज़ द पेंसिल इन योर डेली लाइफ फॉर राइटिंग इन ए नोटबुक। इसके बाद ब्रश टूल है, तो ब्रश टूल भी बिल्कुल रियल लाइफ में जो ब्रश यूज़ होता है कलर देने के लिए बिल्कुल इसी की तरह इस्तेमाल होता है, लेकिन जिस तरीके से आप प्री हैंड ड्राइंग करते हो तो ब्रश टूल से भी कर सकते हो। और दोनों में डिफरेंस क्या है, साइज और इसका ये डिफरेंस है, ये मेरे पास ब्रश टूल है, सही है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें मुख्तलिफ किस्म और मुख्तलिफ साइज़ के इधर आपको मिल जाते हैं। लेट्स सपोज इधर मैं कुछ देना चाहता हूँ, तो ये ब्रश टूल इसको कहते हैं, जिस तरीके डेली लाइफ में हम ब्रश कलर्स देने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन दोनों में पेंसिल और इसमें डिफरेंस क्या है कि इसमें आप देख सकते हैं इसमें मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास जो स्टाइल्स और साइज़ वगैरह है वो इधर अवेलेबल है, देख लें, ब्रश टूल कलर देने के लिए, मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट में कलर देने के लिए ये यूज़ होता है। पेज नंबर 32 पे चले जाए तो इधर आपको नज़र आएगा एयर ब्रश टूल, एयर ब्रश बिल्कुल स्प्रे टूल इसको कहते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल पेंट स्प्रे करता है, ये बिल्कुल क्या करता है, पेंट को स्प्रे करता है, आप इधर देख सकते हैं कि एयर ब्रश टूल में क्या होता है, ये बिल्कुल स्प्रे करता है, ये हमारे पास एयर ब्रश टूल है, तो एयर ब्रश टूल ऑब्जेक्ट में से क्या करता है, ये बिल्कुल स्प्रे करता है, इस स्प्रेइंग इनसाइड द ऑब्जेक्ट, ये बिल्कुल स्प्रे कर रहा है ऑब्जेक्ट के अंदर, सही है, ये देख सकते हैं आप, एयर ब्रश टूल इज यूज्ड टू स्प्रे इनसाइड द ऑब्जेक्ट। फिर इसके बाद है फिल कलर, फिल कलर टूल किस लिए इस्तेमाल होता है, अगर आपको के ऑब्जेक्ट के अंदर कोई कलर चाहिए तो फिर इसके लिए फिल कलर यूज़ होता है, ये देख लें, ये फिल कलर टूल है, फिल विद कलर टूल है, इस पर आपने क्लिक करना है, इधर से आपने कलर बॉक्स में से कोई भी कलर आपने सेलेक्ट करना है, फिर इसके इनसाइड ऑब्जेक्ट आपने उसको फिर क्लिक करना है। दोबारा देख ली, मैं लेट सपोज इस ऑब्जेक्ट में कोई कलर डालना चाहता हूँ तो मैं सबसे पहले फिल कलर टूल पर क्लिक करूँगा, इधर आऊँगा, कोई कलर सेलेक्ट करूँगा, फिर इनसाइड ऑब्जेक्ट में क्लिक करूँगा, तो इस तरीके से आप मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट में कलर फिल कर सकते हैं, ये देख लें, इसमें कोई और चाहिए तो इधर और क्लिक कर, बस आप कलर के सेलेक्ट करते जाए और ऑब्जेक्ट के अंदर आप क्लिक करते जाए तो आपका कलर उसी ऑब्जेक्ट को मिल जाता है। उम्मीद है बेटा आप लोगों को समझ आ गया होगा, ये पेज नंबर 32 तक मैंने कुछ आपको शॉर्ट सा प्रैक्टिकल भी करवा लिया और डेफिनेशन भी आपको बताई, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं मज़ीद आपको पेंट के बारे में बताऊँगा। कोशिश करें कि घर में ख़ुद प्रैक्टिस करें, क्योंकि आप पेंट पर उड़ाम है, तो आपने बुक में थोड़ा बहुत पढ़ लिया, मुझसे सुन लिया, इस पर आप अगर आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करोगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आएगा। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।